भोपाल के भदभदा चौराहे के पास शुक्रवार रात सीएनजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद सिलेंडर में से गैस लीक होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, साथ ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिस जगह हादसा हुआ वहां से आवाजाही बंद करा दी। कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि टीआई के मुताबिक ट्रक रातीबड़ में एसपीएस पेट्रोल पंप से खाली होकर भोजपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान भदभदा चौराहे पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। 6 सिलेंडर में से गैस का रिसाव होने लगा। सूचना पर टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि टीम ने रिसाव रोकने का प्रयास किया, लेकिन रिसाव पूरा होने पर ही ट्रक को आगे बढ़ा सके। काफी मशक्कत के बाद रिसाव में काबू पाया गया। ट्रक को कब्जे में लिया जाएगा, ड्राइवर पर केस भी दर्ज किया जाएगा। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। आशंका है कि ट्रक चालक शराब पीकर ड्राइव कर रहा था। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उसका मेडिकल परीक्षण भी कराएगी। हाँ, वो तो ठंडा ही करेगी बस उसे।